कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम सभी जाति और सभी पंथ के लिए हैं कि ये जाति आ सकती है, नहीं आ सकती। और मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ कि हमारे पास में हिंदू से आते हैं तो हम विवाह हिंदू रीति से कराते हैं, मुस्लिम आते हैं तो जो मुस्लिम उनकी रीति होती है उनसे कराते हैं। हमारे पास में करीब करीब 350 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। मैं खर्रस से आया हूँ। चांपा। इनका जोड़ा आज यहाँ पर ही तय हुआ है। बहुत बहुत तालियों से स्वागत। गाजा, बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मिरर छत्तीसगढ़ में। आज दिनांक 13 नवंबर को अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन कराया जा रहा है, जो कि बैरन बाजार आशीर्वाद भवन में हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, जिससे युवक युवती अपने आप एक दूसरे को देख सके, जान सके और उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ NGO फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मारवाड़ी युवा मंच रायपुर सेंट्रल, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज रायपुर, ये सारे मिलके और सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम, ये सारे मिलके यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सबका भी अभिवादन करता हूँ। और ये वर वधु दिव्यांग समारोह में उपस्थित हमारे जो भाई बहन हैं, उनका इस छत्तीसगढ़ की राजधानी भारतीय विकलांग चेतना परिषद ये वास्तव में ईश्वरीय कार्य कर रही है कि एक हमारे दिव्यांग भाई बहनों का विवाह करना, इससे श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं हो सकता। उनका जीवन, सामाजिक जीवन की शुरुआत करवाना, उनके साथ में शामिल होना, एक बराती के रूप में रहना, एक भव्य शादी करना, उनके जीवन की जो इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। ये सारे सदस्यों को ईश्वर शक्ति दे, अच्छा काम कर रहे हैं। इनको भी, इनका परिवार, इनका जितने लोग हैं उन सब के ऊपर में ईश्वर की कृपा हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। अच्छे कार्यक्रम में जो लोग इसमें सहभागी बने हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र अग्रवाल जी हैं। ये जो आप विकलांग जो परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं, किस उद्देश्य से करा रहे हैं? देखिए, हमारा विकलांग चेतना परिषद का उद्देश्य यह है कि विकलांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है और इसके लिए उनका पुनर्वास होना आवश्यक है। इसीलिए हम पहले विकलांग ऑपरेशन शिविर भी लगाते हैं ताकि उनको शारीरिक रूप से मजबूत करें, उसके बाद जीवन यापन के लिए उनका विवाह कराते हैं ताकि वो एक दूसरे को लेकर अपना जीवन यापन कर सकें। यह हमारा 14वां राज्य स्तरीय विकलांग युवक युवती परिचय सम्मेलन है, जिसमें आज काफ़ी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के अलावा गाजियाबाद, बरेली, राजस्थान के बूंदी, कोटा और अमेठी से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है और दिन भर चलेगा। आज जो भी जोड़ियाँ तय हो जाएंगी, इसके बाद हम 2 महीने का समय देते हैं। इस दौरान जो भी आपस में जोड़ियाँ बनेगी, इन सबका विकलांग विवाह 21 एवं 22 जनवरी को इसी आशीर्वाद भवन रायपुर के प्रांगण में संपन्न कराया जाएगा। तो ये सिर्फ रायपुर में ही हो रहा है कि और भी जिलों में हो रहा है छत्तीसगढ़ के? नहीं, ये सिर्फ रायपुर में ही होता है और इसका उद्देश्य है कि पूरे देश से लोगों को एक मंच प्रदान करें विकलांगों को। पिछले 14 सालों से हम कर रहे हैं और ये हमारा बड़ा आयोजन है, इसलिए यहाँ करते हैं। राज्य की राजधानी है रायपुर। जैसे आप बोल रहे हैं 2 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद विवाह कराया जाएगा, तो इंडिविजुअली विवाह कराया जाएगा या सामूहिक? नहीं, ये सामूहिक विवाह ही होगा, लेकिन अलग अलग उनके रीति रिवाजों से यहाँ बैठा के आर्य समाज के द्वारा इस प्रांगण में कराया जाएगा। तो उसमें आर्थिक मदद भी उनको दी जाएगी? उनको आर्थिक मदद राज्य शासन की योजना के तहत 51,000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है, उसकी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा उन्हें पूरे जीवन यापन के लिए बहुत सारी उपहार सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है। ये कोई विशेष समाज के लोग हैं यहाँ पे आ सकते हैं परिचय सम्मेलन में या अलग अलग? सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों का ये सम्मेलन है, इसमें कोई ऊँची नीची, सभी जाति के लोगों के लिए है। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। धन्यवाद। यहाँ पे बहुत से विकलांग रायपुर के बाहर से भी आए हैं, तो चलिए जानते हैं, कुछ पूछते हैं उनसे। माँ पाटन। आपका नाम बता दीजिए। करण पटेल। मैं खर्रस से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में ही है? जी, छत्तीसगढ़ में ही हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मनोज कुमार सेन। कुरु सिल्यारी। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? मस्त लग रहा है, ठीक लग रहा है।
मेरा नाम कुमारी वर्मा है और मैं असमदा से आई हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। लक्ष्मण देवांगन जी हैं जो रजिस्ट्रेशन में बैठे हैं। अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 70 करीब आ चुके हैं अभी रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये कौन कौन से समाज थे? ये सभी समाज से हैं, इसमें अलग अलग समाज के हैं सब। और कहाँ कहाँ से आए हैं? किस किस भी आए हैं? नई दिल्ली से भी आए हुए हैं, इधर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। राजकुमार शुक्ला जी हैं जो यहाँ रजिस्ट्रेशन का देख रहे हैं। अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अभी तक 22 से 24 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आते जा रहे हैं लोग। यह जो प्रक्रिया है ना, ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। वहाँ हमारा फोटोग्राफर है, कुछ लोग आते हैं वो फॉर्म भरना नहीं आता है तो हम लोग भर के देते हैं उनको, और लगातार ये क्रम 5 बजे तक चलता रहेगा। तो अभी और भी लोगों के, और दूसरे कई प्रांतों से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, कई जगह से लोग आए हुए हैं और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। सभी हमारी अलग अलग डेस्क हैं, वो चेक करते हैं क्या क्या आवश्यकता है, उनको देते हैं। फ़ोटो खिंचवाना हो, फ़ोटो स्टेट करवाना हो, लीगल कोई एडवाइस चाहिए हो, तो सभी तरह के यहाँ पे लोग उपलब्ध हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं और हम लोग लगे हुए हैं इस काम में। शाम को 5 बजे तक रहेंगे। नाश्ते खाने की सब उनको पूरी व्यवस्था है, वही नाश्ता वो लोग करते हैं जो हम लोग करते हैं। हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं जो कि राजस्थान से आए हैं। तो आप यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए, परिचय सम्मेलन के लिए आए हैं? ये कार्यक्रम हमारे 14 सालों से चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम के लिए इसलिए आता हूँ कि मैं सह संयोजक भी हूँ इस कार्यक्रम में, और अब मैं रेगुलर राजस्थान में रह रहा हूँ। लेकिन हमारे इस संस्था का जो भी काम होता है, चाहे वो विकलांगों का परिचय सम्मेलन हो, सामूहिक विवाह हो या शल्य शिविर हो, मैं यहाँ पहुँचता हूँ। चाहे वो कहीं भी हो, हमारी संस्था जो है विकलांगों के क्षेत्र में शल्य शिविर भी लगवाती है, साल में 5 शिविर लगवाती है। कोरोना काल की वजह से बंद था, अभी 2-3 साल से वापस कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो विकलांग भी आए होंगे राजस्थान से? आप आए तो राजस्थान से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से तो आए ही है, लेकिन उत्तराखंड से भी आए हैं और गुजरात से भी आए हैं, जोधपुर से भी आए राजस्थान में लोग बाग, और उड़ीसा से भी आए हैं और बिहार से भी आए हैं। तो ये जो है अब हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये प्रांतीय नहीं हो रह गया, हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया है। तो अब 14 साल से ये हो रहा है, बोले तो आप हर जगह आप अटेंड करें? जी, मैं 10 साल से इस संस्था के अंदर हूँ और हर कार्यक्रम को मैं अटेंड करता हूँ। हमारी संस्था का नाम है अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, और हमारे सहयोग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज वाली संस्था भी है, सीनियर सिटीजन वाले भी हैं, और मारवाड़ी मंच, युवा मंच के लोग भी हैं। ये चारों संस्थाएं जो है मिलकर कार्यक्रम करती है। हमारे साथ वाजपेयी जी हैं जो 22 साल से विकलांगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आप इस बारे में बताइए परिचय सम्मेलन के लिए। परिचय सम्मेलन एक बहाना है विकलांग लोगों से मिलने का, लेकिन इससे बहुत सी जिंदगी बसती है, आगे चल के इनका परिवार बसता है और समाज में ये मुख्य धारा में शामिल होते हैं। ये जो आप यहाँ प्रोग्राम हो रहा है परिचय सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है? क्या परिचय सम्मेलन जो हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताया ना कि अगर कोई विकलांग अविवाहित रहता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, समाज से अपने आप को अलग समझता है, शादी के बाद मुख्य धारा से जुड़ता है और उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके पुत्र होते हैं और पुत्र पूरा घर संभाल लेता है, इकोनॉमिकली बर्डन जो होता है वो दूर हो जाता है। जो बाहर से आए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो सारे यहाँ विकलांग हैं? सभी को चेतना परिषद की भावनाओं की कद्र करना चाहिए, और हमने जो वेन्यू दिया है उसका भरपूर लाभ उठाकर उन्हें अपना जीवन यापन करना चाहिए। सुखमय जी, धन्यवाद। हमारे साथ घनश्याम पोद्दार जी है जो इस प्रोग्राम के सह संयोजक हैं। आप ये परिचय सम्मेलन के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं घनश्याम पोद्दार, कार्यक्रम का सह संयोजक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का मार्गदर्शक, मारवाड़ी युवा मंच रायपुर सेंट्रल का मार्गदर्शक और राष्ट्र में पदाधिकारी। आज हमारा ये 14वां अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का
विकलांग युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन समारोह कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है। हमारे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद सुनील सोनी जी थे और हमारी अध्यक्षता कर रहे थे अरुण शुक्ला जी, जो कन्याकुम सभा एवं शिक्षा मंडल के अध्यक्ष हैं। हम लोग काफ़ी वर्षों से अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के बैनर पे विकलांगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर में हमारी 125 सेवाएं हैं। उसमें से प्रमुख सेवा विकलांगों का विवाह करवाना, विकलांगों की शल्य शिविर करवाना, विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, जिसमें आज हम विकलांगों का परिचय सम्मेलन रखे हैं। सुबह उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ है, अब आप पीछे में देख रहे होंगे परिचय सम्मेलन चल रहा है। हमारे पास में करीब करीब 350 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो पहले भी हो चुके थे, आज और प्रारंभ है, चालू है, शाम तक और बढ़ेंगे। परिचय होगा, परिचय होने के बाद में जब बच्चे लोगों का परिचय के बाद में उनके जोड़े बनाए जाएंगे, उसके अंदर में हमारी सभी संस्थाओं के पदाधिकारी अभिभावक सहयोग करते हैं। जोड़े बनने के बाद में हमारी जनवरी के अंदर में हमने विवाह की डेटें रखी हैं, उस समय में इनका विवाह करवाएंगे। विवाह के उपरांत भी जब इनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, चाहे वो शासकीय हो चाहे वो पर्सनल हो, उसमें हमारी संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी मिल करके बैठ करके समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जितने भी विकलांग बच्चे हैं जो इस विकलांगता से जूझ रहे हैं, उनको हमको मुख्य धारा से जोड़ना है, परिवार से जोड़ना है, समाज से जोड़ना है और उनका जो जीवन है वो खुशहाल करना है। इसी तारतम्य में आज विकलांग परिचय सम्मेलन आशीर्वाद भवन समता कॉलोनी में रखा गया है। तो यहाँ कौन कौन से समाज के आए हैं? सर, समाज के लिए है ये जो हमारा विकलांग का जितना भी विकलांग चेतना परिषद के जितने भी कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम सभी जाति और सभी पंथ के लिए हैं। हमारे लिए कोई ये बैन नहीं है कि ये जाति आ सकती है नहीं आ सकती। और मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ कि हमारे पास में हिंदू से आते हैं तो हम विवाह हिंदू रीति से कराते हैं, मुस्लिम आते हैं तो जो मुस्लिम उनकी रीति होती है उनसे कराते हैं, अगर हमारे पास में सिख आते हैं तो सिख पद्धति से कराते हैं। जो भी है उनका जो रीजन होता है उसके अनुसार जो शादी की परंपरा है उस परंपरा से ही शादियां करवाई जाती है। हमारे अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के अंदर में कहीं पर भी कोई जाति बंधन नहीं है, सर्व जाति हमारे और सर्व पंथ हमारे यहाँ आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ उम्र क्या रखी गई है परिचय सम्मेलन में, कितने से कितनी उम्र वाले करा सकते हैं? परिचय सम्मेलन में जो एक नॉब्स है, जो गवर्नमेंट की नॉब है एज की, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे 21 साल के बच्ची और बच्चियाँ होने चाहिए उनको, लेकिन आगे में अगर वो 40 साल 50 साल का भी है और वो विवाह के सक्षम है तो हम लोग उनको कभी ये नहीं बोलते कि हम आपका विवाह नहीं कराएंगे। हम लोग जो भी उम्र हो 45, वैसे डेडलाइन हमने 45 का दे गए 45 की रखी हुई है, लेकिन अगर जोड़ा बनता है तो हम लोग ज़रूर उनकी शादी करवाते हैं, कोई एज का बहुत ज़्यादा बंधन नहीं रखते हैं। विधवा विधुर भी आते हैं, उनका भी करवाते हैं, सभी जाति पंथ का करवाते हैं। जी जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। इनका जोड़ा आज यहाँ पर ही तय हुआ है, बहुत बहुत तालियों से स्वागत। तय हो रहे हैं, पीछे में मुझे सूचना आई कि दो जोड़े और तय हो गए हैं। और आप सबसे निवेदन है कि कार्यकर्ता बंधु हैं, आप सेवा की जगह सेवा देना चाह रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप जाकर हमारे विकलांग भाइयों के बीच, बहनों के बीच जाइए, उनसे बातचीत कीजिए और जोड़ा बनाने में। माइक चालू कर दो, मुंह के पास करिए, नाम बोलिए। मिनेश्वरी कुर्रे। आपके पिताजी का नाम? सहदेव कुर्रे। आपकी जन्मतिथि? 1988। आपकी जाति? सूर्यवंशी सतनामी। आपकी विकलांगता किस प्रकार की है थोड़ा बता दें? पैर से हूँ, पैर से बाधित है, एक पैर से विकलांग। आपकी आय कितनी है, मासिक आय? मैं
रोजगार सहायक हूँ। पंचायत विभाग में 5,000 सैलरी मिलती है। 5,000 रुपया। आप शिक्षा कितनी ग्रहण करे हैं? मैं फाइनल ईयर कंप्लीट है। बीए फाइनल? हाँ बीए फाइनल। कंप्यूटर आईटीआई में पैरामेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन का। पैरामेडिकल में एक्सरे टेक्नीशियन है। आप कितने भाई बहन है? 3 भाई। जिस काम के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं वो हमने प्रारंभ कर दिया है, और आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और जो अभिभावक अपने बच्चों को लेके आए हैं जिनकी शादी करनी है वो विशेष करके ध्यान देंगे। बेटा आपका नाम बता दो। कोमल अग्रवाल। कहाँ रहते हो? रायपुर। रायपुर समता कॉलोनी में रहते हैं। पिताजी का नाम? अशोक अग्रवाल। आपकी उम्र बता दो बेटा। 26। जाति? अग्रवाल। सिंगल जी। आपकी विकलांगता क्या है बेटा? पैर से विकलांग है ये बच्ची। ये बच्ची पैर से विकलांग है। ये बच्ची मेरे घर के पास रहती है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरे छोटे भाई की लड़की, ये मान सकते हैं मेरे घर के पास। इसका पैर से विकलांग है। ये कितने क्लास पढ़ी है बेटा? 12th क्लास पढ़ी हुई है। ये भाई भाई बहन कितने हैं बेटी? एक भाई एक बहन है। और विवाह अंतर्जाति करना है बेटा, स्वजाति करना है? स्वजाति विवाह करना है आपने शायद इसमें कर। देखिए बच्ची का नाम कोमल अग्रवाल है, समता कॉलोनी में रहते हैं। पिताजी का नाम अशोक अग्रवाल जी हैं। इनकी 96 की एज है। अच्छा, उससे आप अपने मतलब 4 भाई बहन होते हुए सकलांग इसके 3 भाई बहन और हैं। जो माँ बाप की सेवा आज के समय में प्रभु की सेवा से बढ़ के है, तो जो ये काम कर रही हो तो निश्चित ही तुम आज अपना जोड़ा यहाँ से लेके जाओगी। मेरा तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं है। और कुछ कहना है आपको? ओके थैंक यू। विद्या साहू 110 नंबर। विद्या साहू, पिताजी का नाम मोहनलाल साहू, जाति से तेली है, अस्थि बाधित है, और ये 20,000 रुपए महीना कमाती है। ये रेलवे स्टेशन में अपना जॉब, आगे डिटेल ये बताएंगी, और ये अपनी जाति में ही विवाह करना चाहती है ना। तो चलो बाकी डिटेल आपसे सुन लेते हैं। आपकी एजुकेशन बता दो जी। बीएससी बायो है, डीसीए है, और मैं रेलवे कर्मचारी हूँ जी। ये रेलवे में जॉब करती हैं। आपकी सैलरी लिखा है 20,000 रुपए मासिक जी। ओके परमानेंट जॉब है आपका। कहाँ करती हैं जॉब आप? मैं दुर्ग में करती हैं। कैसा जीवन साथी चाहिए आपको बताना तो पड़ेगा ना। हम लोग तो बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं तो सारे अप्लाई करेंगे आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह का जीवन साथी चाहिए, ताकि वही प्रत्याशी आपसे आके अप्रोच करें। एक तो आप सजाति में करेंगी, जाति से आप तेली हैं, ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा वो किस चीज से आपको विकलांगता उसकी चलेगी, कान से, आंख से, नाक से, हाथ से, किस तरह की विकलांगता उसको उसकी चलेगी आपको? हाथ से चलेगी ना। आप पैरों से हैं जी? कितने परसेंट है? मेरा 80% थोड़ा चल के दिखा दो विद्या। ये विद्या साहू जी हैं और ये पैरों से 80% विकलांग हैं। इनको हाथों से विकलांग युवक चलेंगे, तो कृपया जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आए होंगे जिनकी विकलांगता हाथों से होगी वो विद्या साहू से संपर्क कर सकते हैं। ये रेलवे कर्मचारी हैं और 20,000 रुपए महीना कमाती हैं और दुर्ग में ये जॉब में है। थैंक यू विद्या। गजब, बहुत बधाई हो, बहुत 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 सारी खुशखबरी, बहुत सारी बधाई आपको, बहुत सारा धन्यवाद। और तय हो गया है, उनको भी हम स्टेज में बुला रहे हैं ताकि एक साथ आप लोग ग्रुप फोटो ले लीजिएगा। घनश्याम भैया दो चेयर और दे दीजिए, ऊपर में दो चेयर दे देंगे। देखिए मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, मंच पे आकर के कोई स्पेशल मुझे ये नहीं बोले कि इसका परिचय पहले कराइए और इसका परिचय बाद में कराइए। 1 मिनट। देखिए जो लिस्ट में नाम है, जिस रो में नाम आता है, जिस लाइन में नाम आता है, उसी में परिचय होगा। और मंच के ऊपर में जो व्यक्तियों का काम नहीं है वो मंच पे न रहे, घोच-पोच न करें, कार्यक्रम को सुरक्षित तो बिल्कुल सुव्यवस्थित चलना चाहिए कार्यक्रम। जोरदार तालियां होनी चाहिए।